Hi guys, this is Vishwa and welcome back to my channel. I hope all of you are doing great. तो हमारा आज का वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है और ये शायद मैं पहली बार कर रही हूँ. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सम ऑफ माई फेवरेट रिसेंट परचेजेस. तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने अभी अभी परचेज की है, मतलब मैंने अभी शुरू किया है उनको यूज करना, और दो तीन चीजें ऐसी है कि जो मैं अच्छे खासे टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आई लव देम. तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहां पे मैं मेरी पर्सनल फेवरेट चीजें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. सो हियर आई एम विद द वीडियो. और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड इफ यू लाइक कंटेंट रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स, तो प्लीज प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज उसे जरूर लाइक करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट एंड दैट इज दिस वॉच. तो ये अभी केसियो का वॉच मैंने परचेज किया, मतलब मैंने परचेज नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है. बट दिस इज सच ए ब्यूटिफुल वॉच, मतलब ये सारे आउटफिट्स में, इंडियन, वेस्टर्न, सभी में इजिली मैच हो जाता है एंड दिस इज अमेजिंग वॉच. तो इसमें आपको डे मिल जाता है, लाइक मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे मिल जाएगा, साथ में आपको डेट भी मिलती है और टाइम के साथ साथ सेकेंड यूनिट भी है. सो दिस इज अ ग्रेट वॉच. तो अभी हम सब लोग डिजिटल वॉच, लाइक स्मार्ट वॉच के पीछे जा रहे हैं, बट हाँ, ये वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला था, आई थिंक एक साल या डेढ़ साल पहले, बट स्टिल दिस इज़ इन ट्रेंड एंड दिस लुक्स ब्यूटिफुल. तो मुझे तो ये लेकर बहुत ज़्यादा मजा आया. सो आई विल हाईली रिकमेंड अगर आपको ऐसी कोई वॉच, लाइक इफ़ यू लाइक गोल्ड या रोज गोल्ड वॉच, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ वॉच, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है. तो इसकी यहाँ पे MRP है 4495, आई थिंक सिमिलर रेट में ही हमें पड़ा था ये. तो इसको हमने लिया था फ्लिपकार्ट से. तो मैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बिट यूनिक. तो अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर है या तो फिर अगर आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है एंड इफ़ यू स्ट्रगल अ बिट, लाइक कपल फोटोज खींचना या इवन खुद के फोटोज खींचने में अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, देन दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. तो ये एक मिनी ट्राइपॉड स्टैंड है. सो दिस इज हाउ द स्टैंड लुक्स लाइक. इसमें आपको माइक मिल जाता है, ये वाली रिंग लाइट, स्क्वायर वाली रिंग लाइट मिल जाती है एंड दिस इज द ट्राइपॉड. ये बहुत छोटा ट्राइपॉड है तो आप टेबल पर रख के इसको यूज कर सकते हैं. तो हमने ये वाला रिसेंट ट्रिप जो अंडमान का किया था वहां पे इसको यूज किया था. तो साथ में आपको ये ब्लूटूथ बटन भी मिल जाता है, तो आप कितने भी डिस्टेंस से यू कैन क्लिक योर ओन पिक्चर्स एंड ऑल. आपको टाइमर ऐसा कुछ सेट नहीं करना पड़ता है एंड दिस इज द माइक और पूरा सेट ये रहा. सो दिस इज द सेट. रिंग लाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यू कैन सी दिस इज सुपर स्ट्रांग. इसका ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ता है. सो इसमें तीन डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं. तो ये फोटोज़ और वीडियोज़ के लिए तो बहुत सही ऑप्शन है, मुझे पर्सनली बहुत सही लगा था. रात के टाइम पे अगर हमें वीडियोज़ या ऐसा कुछ भी लेना होता ना तो बहुत मुश्किल है, लाइक फ्लैश लाइट से लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट इफ़ यू आर समथिंग हैंडी लाइक दिस तो ये बहुत सही रहता है. साथ में आपको ये स्टैंड मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना फ़ोन लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एक होल जैसा है. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर और ये वाला पोर्शन आप नीचे लगा सकते हैं, लाइक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वीडियोस के लिए एंड दिस इज द ट्राइपॉड. दो ये छोटा बड़ा नहीं होता, आपको टेबल के ऊपर ही रखना पड़ेगा या तो फिर हाथ में रख के यू कैन व्लॉग और यू कैन क्लिक सेल्फीज. बट दिस वॉज वेरी अफोर्डेबल और ये बहुत यूजफुल लगा मुझे तो पर्सनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं. सो या दैट्स व्हाई आई हाईली रिकमेंड दिस. सो नेक्स्ट अप आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. तो अभी मैंने जू के हील्स ट्राई किए हैं. तो मैंने एक्चुअली जू के बैग्स ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई एम इन लव विद देम, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं एंड एयरपोर्ट्स पे कैरी करना तो इतना ईजी है ना, यू कैन लिटरली उसमें घुसा हो बहुत ज़्यादा थिंग्स. सो मैंने इस बार सोचा कि चलो इस बार उनके फुटवेयर कलेक्शन ट्राई कर दिया. सो दैट्स वाई गॉट अ पेयर ऑफ हील्स. मतलब इसकी हील की जो हाइट है वो आई थिंक 1.5 to 2 inch के अराउंड है एंड देयर फुटवेयर कलेक्शन इज माइंड ब्लोइंग. तो अगर आप उनकी वेबसाइट से परचेज करेंगे देन यू गेट दिस कूपन कोड. साथ में आपको ये जूप का एक कार्ड मिल जाता है एंड यू गेट दिस कूपन कोड ऑफ क्लोविया. एंड लेट मी जस्ट शो यू द प्रोडक्ट. मतलब इसकी हील्स इतनी ज़्यादा प्यारी है, मतलब इफ़ यू आर समवन जिसको कैजुअल फॉर्मल काइंड ऑफ फुटवेयर पसंद है ना, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस बिकॉज लुक एट दिस ब्यूटिफुल हील्स.
यू कैन सी कि इसकी हील हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है. सो इफ़ यू आर कम्फर्टेबल वेयरिंग 1.5 टू 2 इंच देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस काइंड ऑफ हील्स. तो इसमें ब्राउन एंड ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन है. पहनने के बाद इतने ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये भी मतलब आपके इंडियन वेस्टर्न सारे आउटफिट्स में आप इजीली पहन सकते हैं. साथ में आप इसको ऑफिस में भी स्टाइल कर सकते हैं. सो लव देयर फुटवेयर कलेक्शन और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो लंबा टाइम चलते. मतलब मैंने उनकी बैग ली थी आई थिंक 2 साल पहले और मैं इतना उसको यूज़ कर रही हूँ ना, फिर भी वो अभी एज इट इज़ है. मतलब अगर मैं उसको वॉश करके रखूँगी ना सो इट विल डेफिनेटली लुक लाइक अ न्यू प्रोडक्ट. तो बस इसी रीज़न से मुझे उनके फुटवेयर ट्राई करने थे एंड दिस इज़ अमेजिंग. मतलब ये कैनवास का इसका पूरा जो मटेरियल है वो कैनवास का है. एंड येस इज वन मोर गुड न्यूज़ के जूक का मेरा एक कूपन कोड भी है विच आई विल फ्लैश हियर. सो इफ़ यू यूज़ दिस कूपन कोड तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिल जाता है. सो इफ़ यू आर समवन जिसको जूक के प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं ना, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट देयर फुटवेयर कलेक्शन एज वेल. और मैंने अभी देखा कि जूक इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, मतलब उनके बैग्स तो मतलब हर एक दूसरे बंदे के पास होते हैं. सो या दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल और आई लिटरली कांट वेट टू स्टाइल देम. सो नेक्स्ट अप आई हैव एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक नहीं कह सकते, हेयर स्टाइलिंग टूल है ये एक्चुअली. सो इसको भी मुझे लिए आई थिंक 3-4 महीने से ऊपर हो गया है एंड आई लव यूजिंग दिस वन क्योंकि मुझे पर्सनली कर्ल्स या स्ट्रेट बाल कम पसंद है, मुझे ब्लो ड्राई वाले बाल ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि पहली चीज़ वो नेचुरल लगते हैं और वो एकदम ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं. तो बस उसी रीज़न से मुझे एक ऐसा हेयर ब्रश चाहिए था जो बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करे. तो ये मैं अभी रिसेंट ट्रिप पर भी लेकर गई थी. सो ये ट्रैवल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इसका थोड़ा वेट और थोड़ी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है. बट मैं तो क्या करती हूँ, इसको रिमूव कर देती हूँ बॉक्स में से एंड आई जस्ट टेक दिस ब्रश विथ मी. थोड़ा साइज में बड़ा है बट इससे बाल इतने फटाफट एकदम ईजीली स्टाइल होते हैं पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब अगर आप वेट बालों में इसको ऐसे कोम करेंगे ना तो बहुत ईजीली आपके बालों को ड्राई कर देता है और अच्छे से ब्लो ड्राई वाला लुक देगा. आई थिंक इसको यूज़ करना, मतलब मेरे स्ट्रेट बाल हैं, मुझे नीचे से थोड़े वेव्स पसंद है जैसे ब्लो ड्राई में होता है बस वैसा है. तो आई थिंक मेरे ये 10 से 15 मिनट में पूरे बाल अच्छे से ब्लो ड्राई हो जाते हैं और लिटरली ऐसा लगता है कि मैं ये सैलून से करवा कर आई हूँ, इतने अच्छे ब्लो ड्राई होते हैं इससे. और मैंने इसके रिव्यूज़ में पढ़ा था कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है या गले में वो साइड पे हीट, इसकी हीट ज़्यादा लगती है. बट पर्सनली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मैं इसलिए ये वेट कर रही थी. मैंने बोला यार मैं इसको ज़्यादा टाइम तक ट्राई करती हूँ उसके बाद रिव्यू शेयर करती हूँ. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता और बहुत जल्दी बाल स्टाइल हो जाते हैं. हाँ दूसरी चीज़, हाँ अगर आपके बाल कर्ली है या थोड़े फ्रीजी है या तो फिर थोड़े हार्ड है तो मे बी आपको स्टाइल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है. बट इफ़ यू आर समवन जिसको ऐसे ब्लो ड्राई ब्रश या ऐसा कुछ देख रहे हैं ना, आई विल हाईली रिकमेंड दिस क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत सही है और इसकी प्राइसिंग कुछ 1500 के अंदर थी, 1200 या 1500 के बीच में था. तो वो प्राइस रेंज में मुझे ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही लगा बिकॉज दिस इज़ लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट. बट लव डिड, आप हर ओकेजन में बाल अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, आप इसको प्लग इन कर दीजिए एंड यू जस्ट रोटेट दिस थिंग एंड इट विल स्विच ऑन. तो स्टाइलिंग के लिए बहुत ईजी है. चलो नेक्स्ट हम लोग स्किन केयर और मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस सेबो जेल. ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ बट इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि अभी लकीली प्रेगनेंसी की वजह से मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स नहीं हो रहे. बट बिफोर प्रेगनेंसी मुझे इतने पिंपल्स होते थे तो मुझे ये वाला सेबो जेल इतना पसंद आ रहा था क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड है प्लस निकोटिनमाइड है जो एक्ने मार्क्स, साथ में अगर आपके पस वाले एक्नेस है तो उनको ड्राई करने में बहुत यूज़फुल है. मतलब मैं लिटरली इसको थोड़ा लाइक दिस इज ट्रांसपेरेंट एकदम, थोड़ा मैं फिंगर टिप पे लेके जहां जब भी मेरा पिंपल का बम्प है ना उसके ऊपर मैं लगा देती थी और ओवरनाइट रखने से सुबह वो पिंपल अच्छे से ड्राई हो जाता है. और इसको अगर आप 1 वीक या 10 डेज के लिए यूज करेंगे ना तो यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस. सो दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. ये आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल है एंड दिस इज अ प्रोडक्ट विच डर्मेटोलॉजिस्ट ऑल्सो रिकमेंड. सो आई विल हाईली रिकमेंड अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. सो नेक्स्ट अप आई हैव अ ब्लश. तो अभी ऐसे ब्लश इतने ज़्यादा ट्रेंड में चले हैं और मैं ये एक्चुअली मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ बट
पर्सनली ये मेरा अभी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रीसेंट फेवरेट्स में इसको ऐड किया जाए। सो दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसकी प्राइस कुछ 150 या 200 के अराउंड है और इट इज़ वेरी ईजी टू अप्लाई। यू जस्ट रिट्रैक्ट इट लाइक दिस एंड इट इज़ वेरी पिगमेंटेड। यू जस्ट स्मज इट प्रॉपरली, मतलब ये फिंगर से भी इजीली स्मज हो जाता है, साथ में आप अगर इसको ब्रश से स्मज करेंगे तो भी बहुत इजीली वो स्मज हो जाएगा। आई होप यू ऑल कैन सी, मतलब मैं मिरर के बिना ही ऐसे आपको दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये इतना ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता प्रोडक्ट। सो दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट, मुझे इसका शेड बहुत ज़्यादा पसंद आया। दिस इज टू चिकी शेड एंड शेड नंबर इज 04। सो इफ यू आर समवन इनटू ब्लशेस यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस। सो नेक्स्ट अप आई हैव अ पूरा 3 का कॉम्बो ऑफ इयर रिंग्स। तो मैंने ये वाला अभी रिसेंटली परचेज किया है एंड आई एम इन लव विद दिस इयर रिंग्स क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ट्रेंडी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, आपके हर एक आउटफिट में आप इसको ईजिली स्टाइल कर सकते हैं। सो यू गेट दिस काइंड ऑफ हुप्स। मैं इसका जो एक्चुअल पिक्चर है ना वो साइड में अटैच कर दूँगी ताकि आपको वो ईजिली दिखे। नेक्स्ट अप इज दिस वन, तो इसे मैं ऑलरेडी 2-3 निकाल के पहन चुकी हूँ। इवन आज मैं जो पहन के बैठी हूँ ना वो भी इसी का इसमें से ही है। एंड थर्ड कॉम्बो इज इन ग्रीन एंड गोल्ड वाला थिंग, सो थर्ड इज दिस वन। इसमें ये जो फर्स्ट बटरफ्लाई वाली है ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सो आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हियर ताकि आपको अच्छे से दिखेगी कि कौन सी कैसी कैसी इयररिंग्स मिल रही है। तो अगर आपको हुप्स पसंद है ना आपको हर वेराइटी के हुप्स इसमें मिल जाएंगे और इसकी प्राइसिंग थी 400, 499। सो 499 में यू आर लिटरली सॉर्टेड। आप जो पर्ल वाली है ना इसमें वो आप एथनिक उसमें भी पहन सकते हैं, साथ में आप ऐसी इयररिंग्स अपने रूटीन में पहन सकते हैं। यू कैन स्टाइल एवरी डे न्यू इयररिंग। सो फॉर 500 आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट प्रोडक्ट क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा इयररिंग्स मिल जाती है और बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, सो आई लव्ड इट। और इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये जल्दी फेड भी नहीं होती, सो दैट्स वाई आई लव दिस। सो दिस इज़ फ्रॉम शाइनिंग डीवा और मैं ऑलरेडी इनके बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पीसेस मैंने ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है, दैट्स वाई आई विल हाईली रिकमेंड दिस। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट। तो लास्टली आई हैव केप्ट बेडशीट्स। तो मैंने अभी रिसेंटली अमेजोन और शॉपसी से बेडशीट ली थी एंड ट्रस्ट में इनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा मस्त है। सो इफ यू आर समवन जिसको बेडशीट कलेक्ट करना बहुत पसंद है ना, यू शुड डेफिनेटली चेक आउट अमेजोन एंड शॉपसी क्योंकि उनमें बहुत सही कलेक्शन मिल जाता है। मतलब ऑनलाइन आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाए बहुत सही कलेक्शन मिलेगा। सो फर्स्ट इज दिस बेडशीट, मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन इज ब्यूटिफुल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यू कैन जस्ट सी द प्रिंट ऑफ दिस, एकदम पेस्टल कलर में है तो ये रूम में बिछाने से रूम इतना ज़्यादा ब्राइट लगता है। सो आई जस्ट लव द प्रिंट ऑफ दिस वन और साथ में इसका मटीरियल अच्छा है। इट इज़ काइंड ऑफ कॉटन बट पॉलिएस्टर कॉटन जैसा मटीरियल है, दिस इज नॉट प्योर कॉटन, बट बिछाने के बाद ये बिल्कुल भी रिंकल नहीं होती और साथ में आपको 2 पिलो कवर्स भी मिल जाते हैं। और इसकी प्राइस कुछ 350 समथिंग थी तो आपको किंग साइज डबल बेडशीट मिल रही है फॉर 350 रुपीज, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो नेक्स्ट अप इज दिस बेडशीट, तो ये मैंने ली थी शॉपसी से एंड दिस इज प्योर कॉटन बेडशीट। तो अगर आपको ये जयपुरी प्रिंट ऐसे प्रिंट्स पसंद है ना तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं शॉपसी एंड अमेजोन, दोनों पे बहुत वेराइटीज मिल जाती है। ये तो मुझे 300 के अराउंड पड़ी थी, 313 या 315 के अराउंड। सो दिस इज द बॉर्डर और इसका पूरा अंदर का जो पोर्शन है ना वो पूरा ऐसे बॉक्स जैसा है। सो इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, मुझे एक्चुअली इसको बिछानी है बट बिल्कुल भी मन नहीं करता, मुझे ऐसे बस इसको नए के तरह ही रखना है क्योंकि इतनी ज़्यादा सही है। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है, ब्लू ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन इज़ ब्यूटिफुल। और पर्सनली मुझे ऐसे लाइट शेड्स बेडशीट में ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उससे रूम एकदम ब्राइट लगता है। तो इतनी अफोर्डेबल बेडशीट्स अगर ऑनलाइन मिल रही है ना वी शुड डेफिनेटली चेकआउट। मतलब मैं तो अभी ऑफलाइन देखती नहीं बेडशीट्स क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, प्राइसिंग भी अच्छी मिलती है। सो लव दिस वन, तो दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे मेरे रीसेंट परचेसेस या मेरे मंथली फेवरेट्स जैसा कुछ जैसे वीडियोस चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू हियर दैट। एंड या सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।